सुख शांति समृद्धि में एक कारण व्यापार भी है। यदि व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो तो घर में आराम ऐसो आराम की जिंदगी जीते हम लोग, कोई टेंशन नहीं। पर यदि वही व्यापार यदि मान लो डंप हो जाता है तो फिर घर में अपने आप क्लेश चालू हो जाता है, क्योंकि जो शौक थे जो चल रहे थे उन शौकों पर अंकुश लगना चालू हो जाता है। अभी मन में विचार आते ही चीज़ें उपलब्ध हो जाती थीं, अब व्यापार डंप होगा तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये सब कारण बन जाते हैं क्लेश के। ऐसे समय में हम उस व्यापार को फिर वापस अप करने के लिए क्या करें कि वो व्यापार हमारे फिर से ऊपर की ओर उठ जाएं। तो अपन देखें व्यापार को उठाने के लिए अपन देखें, पहले तो हम अपने घर के, और क्योंकि घर से भी व्यापार का जुड़ाव होता है ना, कि घर है तो हम उस घर में जिस घर में व्यापार डंप हो रहा है 5 kg जो नमक होता है सेंधा नमक, उसे एक सफ़ेद पोटली में बांध करके उसे हम अपने घर के कुछ ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ से किसी को वो नमक नज़र ना आए, हमको तो पता रहे। एक तो पहला कारण। दूसरा कारण अपन ये देखेंगे कि और क्या करें, तो अपन देखें दूसरा कारण ये है कि धन अभाव हो रहा है व्यापार, यानी व्यापार का डंप हो रहा है यानी धन का अभाव। तो अपन उसके लिए देखें कि हम अपने घर के किचन में, अब वो किचन से व्यापार जुड़ा हुआ है, देखिए हाँ, अब अपन देखें अभी हम लोग क्या करते हैं कि घर घर में काम करने वाली बाई आती है। अब बाई तो आती है दिन में ही आएगी, वो तो 4-5 बजे तक, और उसके पश्चात वो चली जाएगी। अब शाम रात को जो हम भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद वो सारे के सारे बर्तन झूठे बर्तन वो सिंक में पड़े रहेंगे पूरी रात, और पूरी रात पड़ेंगे, और लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर पर आएंगे वो देखेंगे अरे ये तो झूठा पड़ा है, वापस चले जाएंगे, है ना। वो क्या होगा आपके यहाँ व्यापार में अंतर आएगा। तो इसलिए कभी भी अपने सिंक में या किचन में झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तीसरा अपन ये देखेंगे तो अब व्यापार को और ऊपर करना है तो करें क्या, तो अपन देखें जो आपका व्यापार है प्रतिष्ठान है ना, फैक्ट्री है ऑफिस है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करें, वहाँ पर भी अपन को करना क्या है कि जो एक नमक होता है नमक के डेले ले लें 5-7 डेले लेकर के हफ्ते में एक दिन, और उसे अपनी दुकान में 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं ऐसे व्यापार की नज़र उतार करके, और उसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन करना है सैटरडे या संडे को, और उसे ले जाकर चौराहे पर जो 4 रास्ते हों उसमें अपन देखें उत्तर फेसिंग अपना चेहरा फेस करके और वह नमक को फेंक करके चुपचाप से आ जाएं। किसी को सामने नहीं करना है और किसी को बता के नहीं करना है और किसी कोई टोके भी ना, ये इन बातों का ध्यान भी रखना है। और जब आप नमक फेंक के आएँ तो आपको पलट के भी नहीं देखना है, और ये कार्य आप हफ्ते में एक दिन करें और आ करके हाथ धो लें ना, तो आप देखेंगे तुरंत तुरंत आपको उसका फ़ायदा भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसे ही छोटी छोटी बातें आपको जो आपको परेशान करती हैं, आपको कचोटती हैं, आपको टेंशन देती हैं, आप अपनी बातों को ना प्रश्न बना करके और यहाँ से उसका उत्तर ले सकते हैं।